में वो कहते हैं कि 12 वोल्ट के पंखे चाहिए, वारंटी ज्यादा चाहिए, 585 वाट पे अभी काम चले। जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं रीगल चौक पर और यहाँ पर व्यू सन सोलर मार्ट मौजूद है शॉप, तो अंदर चलते हैं। और आजकल लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है और ज़्यादातर कराची में सोलर पैनल जो है वो लगाए जा रहे हैं, तो हम भी कुछ मालूमात लेते हैं और आप तक पहुँचाते हैं कि सस्ते से सस्ता क्या हिसाब किताब है इन प्लेटों का और क्या ये इनके रेट कम हुए हैं। जनाब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया वीडियो बनाने के लिए और कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सबसे पहले एड्रेस और लोकेशन बताइएगा। सर ये मेन सदर रीगल चौक कराची है और बैंक अरबिक के अपोजिट बिल्कुल सामने व्यू सन सोलर मार्ट के नाम से आउटलेट है जीडी कंपनी का, जिसका हमारे पास जिनको एन टाइप है और जिनको मोनोफिशियल है और लॉन्जी एमोसिक्स एक्स मॉडल है, ये भी तीनों मॉडल पड़े हैं जो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जिनकी डिमांड है वो मॉडल पड़े हैं। और दूसरी बात जो आजकल रेट हुए हैं ना, एक तो रेट इसलिए नीचे आ गए, एक तो यूरोप वगैरह ने परचेजिंग बंद कर दी रशिया और यूक्रेन की जंग की वजह से, और दूसरी बात कि इंडिया भी अब खुद अपने सेल बनवा रहा है, तो इस वजह से ना प्रोडक्शन तो चाइना में रोजाना उतनी बन गई है जितनी बनती जाती है। तो इसलिए जो एशिया में जो ममालिक है ना, जिससे ना पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान, जो दूसरे ममालिक है, अफ्रीका वगैरह छोटे छोटे मुल्क, तो ये इसको चाइना को सप्लाई कर रहा है, रेट खुद से अपने गिरा दिए। हालांकि रेट वैसे ये नहीं थे, रेट जमीन को इस वजह से नहीं हुआ, वो इसलिए हुए कि जंग की वजह से, तो रेट अभी मार्केट में काफ़ी नीचे आ गए। और बात है फ्लेक्सीबल की, फ्लेक्सीबल जो अभी आया ना सिर्फ पंजाब में आया सोलर पैनल, जिसके वोल्ट भी कम है, ज़्यादा नहीं है, 2 वोल्ट है और इसके 1.5 एम्पीयर है। और जो आजकल जो पैनल लग रहे हैं उनके वोल्ट और एम्पीयर ज़्यादा होते तभी जाके वो सिस्टम में लगते हैं। अभी इस पर काम चल रहा है, ये फ्लेक्सीबल सोलर पैनल आएंगे, ये तकरीबन इस पर अभी काम चल रहा है, ये 4-5 साल के अंदर आएंगे सही। अभी तो फिलहाल जो पंजाब में आए हुए ना उसके 2 वोल्ट और 1.5 एम्पीयर है, जिसका मोबाइल चार्ज कर सकते और लाइट वगैरह 12 वोल्ट। कौन सी प्लेट है? 585 वाट की प्लेट है और 45-90 साइज है, 45 इंच चौड़ाई है और 90 इंच लंबाई है। इसके पैनल लगे 5 किलोवाट का लगा, 6 किलोवाट का लगा, तो उसमें 8 प्लेटें लगती है, 10 प्लेटें लगती है, 12 प्लेटें लगती है। अगर बादल हो तो काम करेगी ये? जी जी, ये बादल पे भी काम करती है, बादल पे ये 15-20% काम करती है, ऐसी बात नहीं है कि 50% एफिशिएंसी से 50% नहीं देती, बादल वगैरह क्लाउडी मौसम आता है तो 15-20% काम कर लेती है, लेकिन इसमें आपका सिस्टम बंद वगैरह नहीं होता, वो सिस्टम आपका हाइब्रिड चल ही रहा होता है, कुछ एसी से ले लेता है, कुछ बैटरी से लेती है, कुछ जो सोलर पैनल क्लाउड मौसम में दे रहा है वो आपका कोई भी चीज़ जैक्स में 3 किलो। इसमें हमारे पास जो इन्वर्टर है ना 3.2 का इन्वर्टर है हमारे पास, स्टॉक में खत्म होगा इंशाल्लाह अगले हफ्ते आएगा, जिसमें मार्बल सीरीज हो गई, डायमंड सीरीज हो गई, मार्स सीरीज हो गई, Z6 सीरीज हो गई। ये कितने वाट की है? ये बैटरी की लाइफ होती है तकरीबन 2.5 से 3 साल लाइफ होती है, 2.5 से 3 साल से पहले ख़राब हो जाए तो 6 महीने वारंटी है, 2.5 से 3 साल तो चलती है। फिर इसमें हम कस्टमर को कहते हैं अगर आपको लाइफ ज़्यादा चाहिए, वारंटी ज़्यादा चाहिए, तो ये लिथियम आई बैटरी है जी, 48 वोल्ट 120 एम्पीयर है, इसमें 100 एम्पीयर है। ये नीचे डब्बे में पड़ी जी, ये डब्बे में पड़ी है, ये 48 वोल्ट 200 एम्पीयर है, 48 वोल्ट 120 एम्पीयर है, इसकी लाइफ है ज़्यादा साल लाइफ है इसकी, और इसकी 5 साल वारंटी है। अगर छोटे लेवल पे जाते हैं 4-5 लाइटें तकरीबन 2.25 लाख रुपये खर्चा आता है जी। और अगर कस्टमर कहता है हमारी गुंजाइश नहीं, तो हम कस्टमर को कहते हैं कि 12 वोल्ट के पंखे AC DC जो आ रहे हैं 12 वोल्ट के DC पंखे लगा लें और ये छोटी दो पैनल लगा लें, सुबह से शाम तक चलेंगे, रात को तकरीबन 4-5 घंटे बैकअप देंगे, इनमें उनका खर्चा आ जाएगा तकरीबन 60-70 हज़ार रुपये खर्चा आएगा, ये छोटे लेवल के लिए यही है। कंट्रोलर है जो 12 वोल्ट DC सिस्टम लगा रहा है, 2 पंखे, 2 4 लाइटें, 6 लाइटें, मोबाइल चार्जिंग, ये उस पर लगता है चार्ज कंट्रोलर सही जी। ये VFP है, ये भी इन्वर्टर होता है, जैसे एक तो हमने आपको बताया इन्वर्टर UPS, ये घर पे लगता है, और ये जो लगता है ना ये जेरे जमीन पे लगता है, ट्यूबवेल पे बोर्ड पे पानी वगैरह खींचने के लिए। अच्छा अच्छा, ये उसके लिए। हाँ, ये भी आजकल आपको पता है कि डीजल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रही है, लोग 10-10-15-15 हज़ार रुपये का डीजल चल जाता, तो अभी अल्लाह पाक ने ऐसी नेमत दे दी है सोलर की, जिनमें ये VFP वगैरह लगा के वो दिन में फ्री धूप से चला सकते हैं।
ये चार्ज कंट्रोलर की चेकिंग वारंटी होती है, इनकी वारंटी नहीं आती और ये ख़राब भी नहीं होते। इनका काम सिर्फ ये है कि बैटरी चार्ज करना और ऑटोमेटिक कट ऑफ करना है। लाएंगे इस पर अभी काम चल रहा है, जो पंजाब में आया ना, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो 2 वोल्ट दे रहे और 1.5 एम्पीयर दे रहे जी। अभी उस पर काम चल रहा है। ये तकरीबन दुबई में तो ये टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन पाकिस्तान में आते आते तकरीबन 5-6 साल लग जाएंगे। सर ये शॉप का नाम है व्यूसन सोलर मार्ट के नाम से शॉप है और कॉन्टेक्ट नंबर है मेरा 03222750329। तो दोस्तों थोड़ी बहुत मालूमात हमने भी आपको पहुँचाई, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो यहाँ से हमें दीजिए इजाज़त, फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।